तो गाइस इतने सारे गोलगप्पे खरीद के हम लोग लेके आए हैं घर वालों के लिए। ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, मुझे पता है। लेकिन मेरे ससुराल में, मायके में, दीदी लोगों को, बहनों को, सबके लिए इस बार मैं ये गोलगप्पे ही ले जा रही थी। एंड मम्मी को ना ये बहुत पसंद है, धनिया पाउडर, तो इनके लिए धनिया पाउडर। अभी भी मीठी चटनी कम से कम 6-7 पैकेट कम है गाइस, तो ये भी लाना पड़ेगा। हे गाइस, वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? थोड़ा सा शोर आएगा क्योंकि पार्थो अपने 3 फ्रेंड्स यानी 4 बच्चे उस रूम में हैं और खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो नीचे क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, और बच्चे घर में अकेले बैठना पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने बोला यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ बुला लेती हूँ, कभी उन लोग को मूवीज़ दिखाती हूँ बैठा के, कभी ऐसे फ्री छोड़ देती हूँ कि खेलो। क्योंकि क्या होता है ना, जब बच्चे घर पर होते हैं तो आप देखो कितना शोर है, अपनी जिस भी उलझन में होते हो उसको भूल जाते हो, या तो आप उनको डांट रहे होते हो या उनके संग टाइम स्पेंड करते हो। तो ये लोग बैठे हैं, थोड़ा शोर आएगा। हाँ, उपमा बना, सॉरी क्या बनाया था मैंने आज, क्या बनाया था, पोहा, पोहा बना के ब्रेकफास्ट में खिला दिया और सबने नाश्ता कर लिया। और आज मैं ना बहुत पेट दर्द हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल मैं पीरियड्स हो गई थी, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है, तो बहुत अजीब अजीब सी हो रही है तबीयत भी। तबीयत ठीक है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप तबीयत ख़राब में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो मैं क्या कर रही थी, मैं कर रही थी पैकिंग, और ये प्रेस के कपड़े भी आए हैं। ऑलमोस्ट मैं दिखाती हूँ आपको, पैकिंग शुरू कर दी है मैंने। ये बड़ा बैग, इसमें सिर्फ वो है जो, एक सेकेंड, तो इसमें सिर्फ गोलगप्पे हैं, ये भी आपको ज़्यादा दिख रहे हैं गोलगप्पे, लेकिन जब मैं इनको दूंगी तो ये कम पड़ जाएंगे। तो ऐसा लगता है जब जाऊँ तो क्या ले जाऊँ सबके लिए, और सबसे अच्छी चीज़ जो होती है ना, खाना होती है, तो खा के जो खुशी मिलती है वो उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता किसी चीज़ से खुशी मिलती है। तो जब भी मैं कुछ यहाँ पे खाती हूँ मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर वालों के संग भी शेयर करूँ उस चीज़ को। और एक माहौल बनता है जब सब बैठ के एक साथ खाते पीते हैं, तो एक माहौल बनता है, वो माहौल यादगार होता है, इसलिए सबके लिए गोलगप्पे। और हाँ, इस बार पारुल दीदी को भी खिलाऊंगी गोलगप्पे, ठीक है, और जाके इतना हंगामा करूँगी ना, बिल्कुल ऐसा माहौल नहीं बनाने वाली वहाँ जाके कि हम रो रहे हैं, हम सैड वीडियोस बना रहे हैं, नहीं, ज़िंदगी आगे बढ़ने का, चलने का नाम है, तो वो करेंगे। ओ माय गॉड, बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं। जब मैं शूट कर रही थी ना, इतना शोर आ रहा था कि सब्सक्राइबर्स बोल रहे थे ये कौन इतना शोर मचा रहा है, किसकी आवाज़ थी वो? यथार्थ तो बेचारा बोलता भी नहीं है। हे माँ माता जी, चलो बैठ के दिखाओ, पहले कितना बैठना आया तुमको दिखाओ। देखो बच्चों, पार्थो अब बैठना शुरू हो गया। नहीं, बैठो 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 बैठो, इसको आवाज बंद कर बेटा, एक मिनट। वेरी गुड पार्थो, यू कैन डू इट, वेरी गुड पार्थो, डन। अच्छा एक सेकंड, कल वैसे बैठ के दिखा, दिखा एक मिनट, दिखा ऐसे बैठ के दिखाओ, बैठ के दिखाओ, कैसे बैठो। यस, यू सिट, ये कौन से, यस, ऊपर की नहीं करिए एडी, देखो ये तातन की थी, नहीं करिए आप, तो सही है, अब आप बैठो पार्थू, बैठो, इसमें करना है इसको, ये देखो पार्थू नहीं बैठ पाता, ये देखो, देखा आप लोगों ने, नोट देखो, गिरा देगा पार्थू, गिराओ नहीं, देख बैठो पार्थू, देखो सब बच्चे बैठे हैं, देखो पार्थू नहीं बैठ पा रहा है, उसको बैठाओ, अपने दोस्त को बैठाओ, वो देखो, शाबाश, वेरी गुड पार्थू, देखो सब सबकी हिप्स नीचे हो रही है, आप भी अपनी हिप्स नीचे करो, देखो उनको, नो पार्थू आप गलत कर रहे हो, देखो अपने दोस्तों को, देखो इसको बैठा के दिखा देगा कोई तो मैं मान जाऊंगी, चलो पार्थू को बैठवाओ, चल पार्थू बैठ, उठो, देखो पार्थू, देखो क्या कह रहा है, कल सुनो, अरे कवर कर दे सीधी ना पार्थू, मजाक नहीं पार्थू, पार्थू अरे यथार्थ, आपने बहुत अच्छा डांस किया था इसके बर्थडे पे, कैसे किया था आपने, हैप्पी बर्थडे टू, चलो बैठो पार्थू, बैठो, ट्राई करो बेटा, शाबाश, वेरी गुड पार्थू, वेरी गुड, वेरी गुड पार्थू, कांच में लग जाएगी, बैठ के दिखा पार्थू, हाँ ठीक है, देखो देखो पार्थू कितना बैठा, दिखाओ, नहीं बैठ पा रहा पार्थू, बैठ, ऐसा कर लो, कॉपी कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, बस हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ओह माय गॉड,
इसके ना पैर में यही तो प्रॉब्लम हो रही है, देखा आप लोगों ने, इस वजह से ये फुटबॉल नहीं खेल पा रहा है। हम तो दिल्ली जा रहे हैं बिट्टू, नहीं अब हम जा रहे हैं, दो दिन बाद चले जाएंगे, शायद कल परसों में चले जाएंगे। शाबाश पार्थु, वेरी गुड पार्थु, बहुत आगे आ गया, बहुत आगे। पहले तो यहाँ पे दाल, तो ये चावल और दाल बन गया। चावल अभी भिगाया नहीं थे ना, तो अब भिगाने रखा है, बच्चे खेल ही रहे हैं। कैसा है टीम वर्क? चलो इसके हाथ बंद कर, चल हाथ डाल के निकल, नो चीटिंग है, और सब लास्ट में देखेंगे कि पीछे छुपा देंगे, डोंट देखना नहीं था, चल देख लिया, चल आ जा बेटी, चल इसके हाथ बंद कर, प्यास मिट्टी होती है ना, चल इसके हाथ बंद कर, चल बंद कर, कोई बात नहीं, आज बंद कर, चल आज बंद कर, चेंज आप लोग चेंज भी कर सकते हो, आज बंद कर बेटा, चल बेटा ले, टाइट से बंद कर, चल बेटा ले, टाइट, जल्दी सोच ले, येलो कलर से, हाँ येलो कलर, ये भी अच्छी, ये फायदा क्या होगा, अब ले लो, नहीं, अरे ऐसे, ये मैंने ले लिया, अरे पार्टी तेरी फेवरेट है, नहीं जस्ट सेम है क्या, मेरे साथ कैडबरी है, मेरे को कैडबरी वाली है, मैं तेरे को दूंगी नहीं, तूने देर से छाट रहा है, देख पार्ट देगा छाटने का अपने लिए, पति सिल्वर वाली मिले, ले अब मैं तेरे को देती हूँ बेस्ट वाली, ये वाली मुझे बहुत पसंद है। तो बच्चों बताओ मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी खाओ कुछ जान जाओ, मेलोडी है चॉकलेटी, मेलोडी है चॉकलेटी। ये आज मैंने इन लोगों को ये वाला एड दिखाया, बचपन में आता था, मेलोडी है चॉकलेटी, मेरी वाली बहुत यम्मी, मेरी भी बहुत यम्मी, हाँ बहुत टेस्टी थी, मेरे को ये वाली चाहिए, चल कहाँ पे, कहाँ कहाँ दर्द होने लग गया, छाती में, तो आप गलत तरीके से बैठे ना। सो ये गाइस, घर की हालत तो बहुत ज्यादा बिखरी हुई है, 7:05 है, अभी तक मैंने चाय ही नहीं पी थी, तो अभी दिखाऊंगी आपको, पूरा फैला हुआ है। तो यहाँ पे चाय बन रही है, और ये है ना, मुझे भूख लग रही थी, तो थोड़ा सा उपमा मैंने एक दो दिन पहले बनाया था, तो ज़्यादा हो गया था, तो मैंने इस तरह से ड्रायर निकाल के रख लिया था, तो बस अब इसको इसमें डाल के, सिर्फ पानी डाल के मुझे उबालना है, और कुछ भी नहीं करना गाइस। तो कभी कभी ऐसे वो जो मिलता है ना रेडी टू ईट वाला उपमा, ऐसे ही तो होता है बस। एंड गाइज, आज जो है ना ज़्यादा बात नहीं कर पा रही, क्योंकि नीचे है ना सीमेंट बनने की मशीन चल रही है, तो वो जैसे ही वो ऑन हो रहा है तो मेरे को चुप रहना पड़ रहा है। तो पार्थु क्या नीचे खेलने, आज पूरा दिन बच्चे घर पे थे, और 5:30 बच्चे घर पे गए, और यहाँ की हालत अगर आपको दिखाऊँ तो पैकिंग अभी तक मेरी हुई नहीं है, लेकिन ये वाला जो है ना, इसमें देने वाले कपड़े रख रही हूँ जैसे बताया, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे सारे मेरे बाहर जाने वाले घर पहनने वाले कपड़े, अभी ये पार्थु का, ये सारे घर पहनने के और बाहर जाने वाले कपड़े, और यहाँ पे हमारी अभी देखती हूँ और कुछ आएगा आई थिंक अंडरगारमेंट्स वगैरह, और पार्थु की बहुत सारी चीज़ें, पार्थु का होमवर्क वगैरह भी लेके जाऊंगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो पैक करनी है, और बस बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। हाँ, इस कमरे में आके बात करती हूँ आप लोगों से। तो अभी क्या हुआ कि जब सब बच्चे खेल रहे थे ना, तो वो मैंने वीडियो अपलोड करी, तो वो लोग यहाँ टीवी देख ही रहे थे, तो उन्होंने बोला आंटी आपकी वीडियो आ गई, आ गई, हम वीडियो देख रहे हैं, तो उन्होंने वीडियो देखा, तो उन्होंने देखा कि मैं बता रही हूँ कि पार्थ ऐसे बैठ नहीं पा रहा, तो सब बच्चे उसको बैठ के दिखा रहे थे कि अरे पार्थ ये तो बहुत ईजी, तू क्यों नहीं बैठ पा रहा। तो अभी क्या हुआ कि कुछ भी कहो, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके दिल पे क्या चलता है ये तो सिर्फ बच्चे ही जानते हैं, जब हम उनकी एज में थे तो हम भी बहुत कुछ सोचते होंगे, और वो जो सोचना होता है वही हमारा बदलाव होता है आई थिंक,
तो उसने ना कमरे में आया और बोला, मम्मा मैं एक बार बैठूँ, आप जल्दी से ना डैडी को मेरा वीडियो बना के भेज दो। हार्डली 10 काउंटिंग गाया वो गिर गया। फिर मैंने उसको हाथ पकड़ पकड़ के बैठाया, वो गिर गया। एंड उसके बाद फिर प्रैक्टिस करता रहा करता रहा करता रहा, और थोड़ा सा आप यहाँ देखो, और कम से कम 24 काउंटिंग तक वो बैठ गया था यहाँ पे। मुझे इतनी खुशी हुई, मैं आपको क्या बताऊँ। और उसी दौरान एक कमेंट आया था प्रभा का, आई थिंक, हाँ, कि मेरा पारा बाबू बैठ जाएगा, बाबू बैठ जाएगा, और स्ट्रांग मम्मी का स्ट्रांग बेटा है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना मोटिवेट करते हो, बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोग की बातों से, अच्छा लगता है। ये पूरी दुनिया एक दूसरे के ऊपर ही टिकी हुई है गाइज, कभी भी किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। जैसे मैं कहती हूँ ना, कभी भी आपको पता भी है कि ये होने वाला है, लेकिन तब भी अच्छा बोलो। आपका एक अच्छा बोलना सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, और वो चीज़ जो पॉसिबल नहीं होती वो पॉसिबल होने लगती है। तो पार्थू इतना भी बैठा ना आज, सिर्फ 3 सेशन के बाद ही, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने डॉक्टर ने पूछा हमसे, आज हमने उनको वीडियो भेजी तो वो भी बहुत खुश हुए। एंड संडे के लिए उन्होंने बोला है कि एक सेशन लास्ट जो रह गया पार्थू को वो कराएंगे, एंड इसके बाद पार्थू को रेगुलर नॉर्मल जो एक्सरसाइज होती है वो हमें करानी है घर पे। एंड ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है गाइज, लेकिन मुझे सच बताऊं बीच में बहुत डर लगा था कि ये क्या हो गया मेरे पार्थू के पैर के साथ, जब मैंने ऐसी चीज़ें होनी उसके संग देखनी शुरू की। कोई भी माँ अपने बच्चे के ऊपर एक तिल बराबर खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती गाइस, ये सच बात है, आप मानो या ना मानो। और माएँ जो होती है ना वो बहुत ही स्ट्रांग भी होती हैं, बहुत ही कमज़ोर भी होती है। पहले वो कमज़ोर होती हैं एंड बाद में वो स्ट्रांग हो जाते हैं ना। मेरी चाय उबल गई, मैं चाय पी लेती हूँ। तो ये उपमा भी बन गया और ये चाय भी बन गई है ना। अब आप देख सकते हो मेरी पैकिंग डन हो चुकी है। तो मैंने वो जो 2 बैग बनाया था उसका एक ही बना दिया। इसको मैं नहीं लेके जाऊंगी, ये जो गोल गप्पे वगैरह थे ये अनूप लेके आएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैवी है गाइस, कम से कम 10 किलो वजन है इसका। तो ये मैं नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी ये ही बहुत ज़्यादा है। तो अनूप तो कह रहे थे कि तुम छोटे में ले जाओ, लेकिन नहीं, मैं रिस्क नहीं लूँगी, अनूप पता नहीं कब आएंगे, तो इसलिए मैं ये बड़े बैग में सारा मैंने किसी तरह अरेंज कर दिया है। तो टिकट अभी हुई नहीं है, लेकिन मैंने तैयारी कर ली है भाई। कम से कम बैग पैक रहेंगे तो सिर पे अनूप के डंडा रहेगा कि नहीं टिकट बुक करनी है। वैसे वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम बहुत ही ज़्यादा आप समझ लो वेटिंग में आ रही टिकट्स। मैं फ़्लाइट से नहीं जा रही हूँ, मैं ट्रेन से जा रही हूँ गाइस, और पैकिंग होगी। तो बस अब मैं जा रही हूँ, दाल बड़ी बनी पड़ी थी, अनूप ने बोला था दाल आज बच गई थी, तो सब्जी कुछ नहीं बनाना, हम इसी के संग रोटी खाएंगे। तो थोड़ी सी पनीर की भुजिया अगर होगा तो बना दूंगी, नहीं तो दाल रोटी ना। बस हो गया मेरा सारा काम। तो मैंने सोचा चलो इस ब्लॉग को भी यहीं एंड कर देती हूँ। तो इस ब्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ, मिलूंगी अब सीधे आपसे कल। आपने क्या सोचा, दिल्ली में अब सीधे मिलूंगी आपसे कल एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, बाय। शायद जब तक ये ब्लॉग आए नेक्स्ट डे मैं दिल्ली जा रही हूँ, है ना।